First of all, use of can. So this is the formula. Upper negative. Subject plus can plus verb ki first form plus object. And second negative. Subject plus cannot plus verb ki first form plus object. And this is the interrogative here. Can plus subject plus verb ki first form plus object. And interrogative negative. Can plus subject plus not plus verb ki first form plus object. So first example is usse school mein pravesh mil sakta hai. सबसे पहले उसे ही कैन गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट एडमिशन इन ऑब्जेक्ट इन स्कूल. सो फर्स्ट इज ही कैन गेट एडमिशन इन स्कूल एंड इसका नेगेटिव बनेगा उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकता है. तो ही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही कैन नॉट गेट एडमिशन इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा इस फॉर्मूले से. तो कैन प्लस सब्जेक्ट हमारा ही है. कैन ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कैन ही गेट एडमिशन इन स्कूल. इंट्रोगेटिव है क्या उसे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है. अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है. तो कैन ही नॉट गेट एडमिशन इन स्कूल. तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन अलग बनाना है. तो पहला बनेगा उसे स्कूल में क्यों एडमिशन मिल सकता है. तो वाई कैन ही गेट एडमिशन इन स्कूल एंड हाउ कैन उसे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल सकता है. तो हाउ कैन ही गेट एडमिशन इन स्कूल. जितने भी सेंटेंस जिनमें लास्ट में सकता है मैं एडमिशन ले सकता हूँ ये जिसे भी सकता आता है उसमें ये तीन फॉर्मूले से बनाना होगा. सो नेक्स्ट इज पास्ट हैबिट. सो आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू मेक पास्ट हैबिट सेंटेंस. इसमें हैबिट बताना जो है जो हम पहले किया करते थे जो भी वर्क. जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल जाया करती थी पर अब नहीं जाती हूँ. तो उसी टाइप से है. तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जब मैं छोटी थी तो मैं मंदिर में प्रार्थना किया करती थी. जब मैं छोटी थी तो मंदिर में प्रार्थना किया करती थी. जब मैं छोटी थी तो इसका अफर्मेटिव बनेगा when means जब when I was small. ये यहाँ तक का बन गया जब मैं छोटी थी यहाँ तक का है ना. when I was small तो मंदिर में प्रार्थना किया करती थी. then I used to pray in टेम्पल. या अफर्मेटिव जब मैं छोटी थी तो मैं मंदिर में प्रार्थना किया करती थी. अब इसका नेगेटिव जब मैं छोटी थी तो मैं मंदिर में प्रार्थना नहीं किया करती थी. व्हेन आई वाज स्मॉल सेम रहेगा. अब इसका नेगेटिव बनाएंगे यहाँ से. व्हेन आई वाज स्मॉल देन आई डिड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिड नॉट यूज. जब नेगेटिव मतलब सिर्फ अफर्मेटिव में यूज टू लगता है बाकी के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसमें यूज टू लगता है क्योंकि वो डिड के साथ वो जो डिड रहता है वो इस डिड के साथ ऐड हो जाता है. देन आई डिड नॉट यूज टू प्रे इन टेम्पल. ये नेगेटिव बन गया. अब इसका इंट्रोगेटिव
When I was small. Interrogative, you know. When I was small, did plus subject lagega. I used to verb ka first form. Wo kya karti thi? Prarthna karti thi, you know. Prarthna ka English pray. Pray object hai in temple. तो ये हो गया. जब वो छोटी थी तो क्या वो प्रार्थना किया करती थी? अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. व्हेन आई वाज स्मॉल डिड आई, ओनली यहाँ पर नॉट ऐड होगा. डिड आई नॉट यूज टू प्रे इन टेम्पल. बस नॉट ऐड करना है, बाकी सब सेम रहेगा. और इसका डब्ल्यू एच देख लेते हैं. WH. वह किस मंदिर में प्रार्थना किया करती थी? मतलब वह नहीं, मैं, सॉरी, मैं जब मैं छोटी थी ना. विच विच टेम्पल आई यूज्ड टू प्रे. जब मैं छोटी थी तो मैं किस मंदिर में प्रार्थना करती थी? किस मंदिर में प्रार्थना? डिड आई, विच टेम्पल डिड आई यूज, विच टेम्पल डिड आई यूज टू प्रे एंड क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज ओवर. नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न मोर. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.